परेशान हो गया 50-60 हजार रुपए सीमेंट खरीद कर लाया भैया और सब लोकल सीमेंट और लगवा दिया प्लास्टर करवा दिया छत पर भैया देख लो मार पूरा का पूरा चमका दिया और ऐसा चमका गया हाथों में गिट्टी आ रहा है और वहां सिले भैया हिल रही है ना जाने कब माथे पर गिर जाए। इसको लेकर इसने फोन पर भी बातचीत की और हैदराबाद कोतवाली में एप्लीकेशन भी दिया। अब बड़े बड़े नेता मंत्री देखते भी होंगे लेकिन उनके बावजूद भैया देख लो मार्केट में धड़ल्ले से ठूस ठूस करके बोरी में सीमेंट बिक रहा है। लोकल सीमेंट है बताओ इतना खराब सीमेंट है और अल्ट्राटेक मांगे थे अल्ट्राटेक की जगह अल्ट्रा पावर सीमेंट दे दिया। सुन लो आज ये बहुत जोर से वायरल हो रहा है। हम तुम्हारे विश्वास पर लीना रहा है अगर सीमेंट गड़बड़ा सिले बिक जाते। हम पूछे थे तुमसे जब हम कहा अल्ट्राटेक है तो तुम कहो अल्ट्राटेक काम करे थे जो बिल्कुल अल्ट्राटेक आए 400 रुपए दाम पहले 370 में दिया था जेपी अम्बा हमका अल्ट्राटेक सीमेंट 410 रुपए का रहेगा। हम कल 400 के अनुदान दी ना तो 410 रुपए दिए हमका कोई दिक्कत रही तुमसे अब अल्ट्रा पावर भेजा दे हमका ये कोई बात थोड़े बड़े भाई, भाई आपस में हमारा बात सुनो। तुम्हें अगर हमें सीमेंट कोई कमी नहीं कर रही तो ना नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं ना। पहले बात सुनो तुम्हारा अगर हमें सीमेंट कोई कमी नहीं कर रही है जताना हार जाना पूरा तुमका हम जा कंपनी में कंपनी हमारा बात समझो फिर तुम अपने ऊपर का है तो रीजन तुम्हारा का है हम का यार तो हम माल तुमका दिया तुम हमका जानो तुम कंपनी का तो हम तुम जैसे हम जाने थे ना हमारा बात समझो जैसे हम तुम जैसे कहा माल तुमका देना है तो व्यक्तिगत अगर तुम हमका हम तुमका जानी थे तुम हमका पर्चा दियो भाई हमका जीएसटी से पर्चा दियो बिल्कुल दिया पर्चा तो पर्चा सुबह हमका भेजवाओ फिर हाँ बिल्कुल दिया भाई ठीक सुबह भेजवाओ जो हमारा तुम बदनामी की हो है बहुत बदनामी ना है वो कुछ बदनामी ना है नहीं बहुत मान सम्मान वापस चाहिए मान सम्मान बदनामी धंधा करके कौन है दुआरे मने गरिया चला जात कहीं खराब दे दो हमका तो हम सुनी थे क्या करी भाई हम खराब दी ना हो तो सुन भाई ना हम कहे तो है जैसे हमका को गरिया चला जा तो सुन भाई जब हम खराब दे हो तो सुन भाई ना तब सही में सुन भाई जब यार हम तो सुन भाई ना जब खराब दिया हो तो हम सुन भाई हम तुम्हारा बात नहीं की ना अभी तुम्हारी बात ना सुनिए मैं जब तक एक आधा तुम्हें दब नहीं जाएगा स्लेब गिर नहीं जाएगा किसी का माथा का बार फूट नहीं जाएगा तब तक कार थाई नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात ये अपनी बात सुनाते रहेंगे। इनका कंपनी बढ़िया है ये बढ़िया है ये बखत विक्रेता बहुत अच्छे हैं इनकी तुम बदनामी कर रहे हो इतने बढ़िया आदमी की काम था इनका सीमेंट इतना बढ़िया कि लगाकर धूप में खड़े हो जाओगे तो सफेद हो जाओगे दही से सीमेंट नहीं छूटेगा। तुम हमका कागज दियो बात खत्म वीडियो बना दियो अगर इनका गलती नहीं वीडियो कुछ डायरेक्ट उठा के FIR कर दे कल तक कागज दियो दे दो बात खत्म रखो फोन। तुम अब जा तुम FIR करा दो पेपर नहीं देंगे काहे पेपर दे भैया जब तक एक आधा आदमी तब नहीं जाएगा दुर्घटना होने जाएगी तब तक पेपर नहीं देंगे। फिलहाल मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदराबाद का भैया अभी ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा सूत्र बताता कि तीनों लोग हैदराबाद कोतवाली में गए एक ने एप्लीकेशन दी और दूसरे बकायदा समझौता करने के लिए गए थे। अब जब तीनों जने गए तो हैदराबाद कोतवाली साहब ने बातचीत की और समझाने बुझाने लगे। अब विक्रेता का कहना कि देखो मैं देखो वहाँ सीमेंट का पैसा बाकी है यही के लिए बकायदा ग्राहक नौटंकी कर रहा है और इनका कहना कि देखो खराब सीमेंट दे दिया साहब कहो माथे पर गिर गुरा गया तो जिम्मेदारी आप लोगे। फिलहाल दोनों को समझा बुझा दिया गया अब दोनों लोग घर को गए देखते क्या होता है। हम तो कहेंगे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि लोकल सीमेंट बेचा करते वाकई में कोई दबदबा गया तो बहुत रिस्क का मामला कोई बच्चा नीचे दब गया या कोई आदमी मर गया तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। साहब को बकायदा से गंजा कसना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पर फिलहाल बाराबंकी जम पसंद उत्तर प्रदेश के लिए एवेश रिपोर्ट की बैठक विरोक्ष का डालू चांस कर लो शो में सहर जो मिलेंगे तो बात बनाए अब शेयर करना भैया कहना पड़ेगा।